हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाईक्यू फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस देन कंटिन्यूज एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी एंड देन डी एक्सीलरेट्स एट द रेट एफ बाई टू to come to rest. If the total distance traversed is 15s, then यानी कि आपको डिस्टेंस एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा रिलेशन होगा सही। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा मान लेते हैं भाई, ये मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा। ये क्या है, मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बेसिकली एक कार है जो एक्सीलरेट करती है रेस्ट से, ये एक्सीलरेट कर गई भाई। और ऐसा करते हैं यहां से टी बराबर जीरो से स्टार्ट होती है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो यहां पहुंच गई, यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। इस केस में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी एस और किस एक्सीलरेशन से ट्रेवल करी एफ, क्लियर है ना। अब यहां से जो है ये कार जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलती है फॉर द टाइम पीरियड टी, टी टाइम के लिए ये कार जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलती है। इसके बाद ये कार जो है डी एक्सीलरेट करती है, ये डी एक्सीलरेट कर गई भाई, मान लो एफ बाई टू से डी एक्सीलरेट करती है, क्लियर है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है ये कार, क्लियर है। तो इस ग्राफ में देखो इसमें तीन सेक्शन बन रहे हैं, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया यानी कि फर्स्ट मोशन हो गया, ये सेकेंड मोशन हो गया और ये थर्ड मोशन हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों मोशन को एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज 15s, दैट मींस फर्स्ट मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है मान लो s1 प्लस सेकंड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है s2 और थर्ड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है s3, ये किसके इक्वल है 15s के, क्लियर है। अब हम फर्स्ट की बात करेंगे, पहले हम फर्स्ट को पकड़ेंगे भाई, फर्स्ट को पकड़ते हैं, पहले फर्स्ट वाले केस को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी वन ले लेते हैं, क्योंकि ये t दिया हुआ है। इस केस में मान लो कितना टाइम लगता है, t1, यू टी वन प्लस हाफ एफ टी वन स्क्वायर, क्लियर है। एक्सीलरेशन f लगा इसमें, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है इस केस में, तो और डिस्टेंस कितनी है s1, तो s1 इज इक्वल टू हाफ एफ टी वन स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस s1 है ये किसके इक्वल है, s के, क्वेश्चन में दिया है देखो, ये दिया, ये जो डिस्टेंस s1 है किसके इक्वल है, s के, क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, यहां पर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिख लो a b c d, तो हम b पॉइंट पर जो है वेलोसिटी निकालेंगे। ए और बी के केस में, ए और बी के केस में या वन वाले मोशन में फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन एफ इनटू टी वन। ये यू जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है, स्टार्ट कर रही है ये कार, तो वी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एफ टी वन, क्लियर है मेरे भाई। अब यहां ध्यान दो, जब कार बी पर थी तो बी से सी तक वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब हमने B पर वेलोसिटी निकाल ली, B पर जो वेलोसिटी आई वो आई है एफ टी वन, तो B से C तक भी यही वेलोसिटी रहने वाली है एफ टी वन, एफ टी वन, एफ टी वन, क्लियर है, तो सेम वेलोसिटी रहने वाली है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा सेकंड केस में, तो ये हो गई मान लो S2, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है एफ इंटू टी वन, और इस केस में टाइम दिया हुआ आपको टी, इस केस में कितना टाइम दिया है टी, तो ये हो गया एफ टी वन, टी वन इंटू टी, क्लियर है, ये हो गया एस टू। अब बात करते हैं थर्ड मोशन की, ये जो थर्ड मोशन है इस केस में भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है इस केस में, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो u स्क्वायर यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी, c पर जो वेलोसिटी होगी, और c पर क्या वेलोसिटी है ft1,
तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एफ स्क्वायर टी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू इंटू, एक्सिलरेशन क्या है इस केस में भाई, डी एक्सिलरेशन है, माइनस एफ बाई टू, और जो डिस्टेंस होगी इस केस में ऐसा लिख लेते हैं एस थ्री। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से ये नेगेटिव कैंसिल होता है और ये टू से टू कैंसिल होता है, तो यहां से हमें मिला एस थ्री इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी वन का स्क्वायर अपॉन में एफ, एक एफ उड़ा दो तो हमारे पास मिला एफ टी वन का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? तो हमें डिस्टेंस मिल गई एस थ्री इज इक्वल टू एफ टी वन स्क्वायर। ये सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे भाई, एस वन कितना आया था मेरे भाई, ये आया था एफ हाफ एफ टी वन हाफ एफ टी टी वन का स्क्वायर, प्लस एस टू कितना आया था एफ टी वन टी, प्लस एस थ्री कितना आया था एफ टी वन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 15s। अब यहां देखो ये एफ टी वन का स्क्वायर है, ये हाफ एफ टी वन का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो है इसका इसका टू टाइम्स है, क्योंकि हाफ एफ टी वन किसके इक्वल है, हाफ एफ टी वन किसके इक्वल है, एस के इक्वल, क्वेश्चन में दिया है, तो ये एस हो गया, प्लस एफ टी वन टी प्लस, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2s, क्योंकि ये टू टाइम्स है इसका, दैट इज इक्वल टू 15s। तो यहां से हम इस तरह से लिख लेंगे एफ टी वन टी इज इक्वल टू 15s माइनस 3s, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है? ये आ गया हमारा 12s। ठीक है मेरे भाई, यहां से आगे करते हैं, तो हमारे पास आया s इज इक्वल टू एफ टी वन टी अपॉन में 12। क्लियर है भाई साहब? यहां तक ओके है? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखो s जो है हमारा हाफ एफ टी वन स्क्वायर है, और एक रिलेशन आ गई s इज इक्वल टू एफ टी वन टी, है ना, इन दोनों को बेसिकली इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और यहां से t1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां करते हैं इसको, हाफ एफ टी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ टी वन टी अपॉन में 12। तो ये एक एफ से एफ कैंसिल हो गया मेरे भाई, एक टी वन से एक टी वन उड़ गया, तो हमारे पास ये टू से ये 12 चला गया 6, तो टी वन कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया टी बाई 6। क्लियर है? इस t1 की वैल्यू को उठा करके इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा f इंटू टी अपॉन में 12, और ये t1 की वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे t बाई 6 कर देंगे। क्लियर है भाई साहब? ये आ गया 1/72 एफ टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1/72 एफ टी स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है।